बहुत आज हमारा देश कई क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जो हमारे देश के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिए हैं। और आज इनके बारे में बस हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ महान साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का अमेजिंग फैक्ट्स में स्वागत है। उससे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नंबर वन, श्रीनिवासा रामानुजन। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। ये एक महान मैथमेटिशियन थे, जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में रहा। रामानुजन को आज सारी कंट्रीज जानती है। हाल ही में हॉलीवुड में इन पे एक बायोपिक बनाई गई, जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्होंने अपनी एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज से की। इनकी मृत्यु मात्र 33 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को हो गई। नंबर टू, सीवी रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में शानदार कार्य किया। अपने स्टूडेंट कृष्णन के साथ उन्होंने ये पाया कि जब प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराता है तो कुछ लाइट डिफ्लेक्ट हो जाता है और वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिपल्ली में हुआ। इनको कई तरह के अवार्ड्स मिले, जैसे भारत रत्न, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, लेनिन पीस प्राइज, ह्यूजेस मेडल, फ्रैंकलिन मेडल, मेट्यूसी मेडल। इन्होंने अपनी एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में हुई। नंबर थ्री, होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में हुआ। इन्होंने अपनी एजुकेशन द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में की। होमी जहांगीर भाभा एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। वो द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडिंग डायरेक्टर और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इनको पद्म भूषण अवार्ड में मिला था। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1996 को मॉन्ट ब्लैंक में हुई। नंबर फोर, सर जगदीश चंद्र बोस। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में है। इन्होंने अपनी एजुकेशन हेयर स्कूल और संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल से की। सर जगदीश चंद्र बोस CSI, CIE, FRS बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बोटानिस्ट और अर्ली राइटर ऑफ साइंस फिक्शन थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की खोज की। इनको ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, नाइट बैचलर जैसे अवार्ड्स मिले। इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को गिरिदीह में हुई। नंबर फाइव, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 कोलकाता में हुआ। इन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से की। सत्येंद्र नाथ बोस FRS के महान इंडियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। वो अपने क्वांटम मैकेनिक्स में बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की थ्योरी दी। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला। इन्होंने सत्येंद्र बोस इन ढाका बुक भी लिखी है। इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1974 कोलकाता में हुई। नंबर सिक्स, APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ। इन्होंने अपनी एजुकेशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना यूनिवर्सिटी, संत जोसेफ्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से की। APJ अब्दुल कलाम एक बेहतरीन एरोस्पेस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11th प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। उनका जन्म और परवरिश रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग में हुई। नंबर सेवन, हर गोविंद खुराना। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 रायपुर पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ETS जुरिच, GCU से की। इनकी नेशनैलिटी में अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन तीनों ही आता है। हर गोविंद खुराना एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उनको 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट मार्शल डब्ल्यू नीरनबर्ग के साथ नोबेल प्राइज मिला। इन्हें लोइसा ग्रॉस हॉर्विट्स प्राइज जैसे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2011 कॉन्कॉर्ड, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। नंबर एट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 लाहौर पाकिस्तान में हुआ।
इन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ट्रिनिटी कॉलेज से की। इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स, जनरल रिलेटिविटी, फ्लूइड डायनेमिक्स, रेडिएशन जैसे फील्ड में बहुत योगदान दिया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर FRS के इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जिन्होंने 1983 में विलियम ए फोलर के साथ थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। इनको ब्रूस मेडल भी मिला हुआ है। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1995 शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है हमारे देश के किसी और साइंटिस्ट को इस लिस्ट में रहना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।